हे गाइस, गुड मॉर्निंग। करते ब्लॉग की शुरुआत आपके प्यार के साथ। तो गाइस, नई सुबह की शुरुआत हो चुकी है भैया, धूप के साथ हुई है। अभी बारिश होकर रही है, थोड़ी देर पहले ही पानी काफ़ी, हम सो रहे थे सुबह सुबह और बारिश स्टार्ट हो गई। काकू को छोड़ के आए थे, थोड़ी देर लेटा था और अब उठ के देखा तो वैसा बाहर बारिश स्टार्ट हो चुकी है बहुत ज़्यादा। उसके बाद एकदम तेज वाली धूप निकल आई है। तो बस हम मिलते हैं आपसे थोड़ी सी देर में, कर लिया मंदिर में और भोग लगाने की करते हैं तैयारी। मिलते हैं आपसे थोड़ी सी देर में। और बस सब तैयारी शुरू हो चुकी है बप्पा जी के आने के लिए। और कमरे रूम को देखो, रूम का अगर मेरे को टाइम मिले, क्योंकि मेरा अगले महीने थोड़ा सा काम है बहुत ज़्यादा, शॉप का इधर उधर का बाहर का काम शुरू हो जाता है। अगर मेरे को तैयारी मिले तो इस रूम को भी मैं, जैसे उस रूम को तैयार करवाया इस रूम को भी मैं तैयार करवा दूँगा आने से पहले। देखो होगा या नहीं होगा भैया, वो तो ऊपर वाला जानता है। अब अपनी तरफ से इनसे इंसान तो तैयारी करता करता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें चेंज करवानी पड़ेंगी, फर्नीचर वर्नीचर सारी चीज़ें नई एक तरीके से लेनी पड़ेंगी और कमरे के हालात बिल्कुल क्लीन। बस नाश्ते का किया जा रहा है इंतज़ार, डॉली नाश्ता लेकर आएगी, नाश्ता करेंगे और दुकान जाने की करते हैं तैयारी। काकू जा चुका है स्कूल सुबह सुबह और आज मंडे वाला दिन है थोड़ा सा। बस मंडे से लेके ना वेनसडे मुहर्रम है, शायद छुट्टी है। बस मंडे से लेके ना फ्राइडे तक अपना थोड़ा सा हिसाब किताब ऐसे होता है और उसके बाद मैं रूटीन सैटरडे संडे थोड़ा सा आराम मिलता है बच्चों के साथ भैया, क्योंकि देखो 6 दिनों बच्चों ने जाना है, 5 दिन जाना है स्कूल और उसके बाद फिर जो नींद वगैरह होती है सब सैटरडे संडे को पूरी होती है। अब सार्थक क्या करने लगा हुआ है आपको दिखाता हूँ। गुड मॉर्निंग। हाँ जी, क्या कर रहे हो भाई साहब सुबह सुबह लैपटॉप लेके? कुछ काम है, वो था कॉलेज का, वही सबमिट कर रहा है। सबमिट कर रहा है काम, वो डॉक्यूमेंट्स। कबूतर देखो, ये देखो भैया, दो दो ये बैठे हुए हैं। ये इसलिए बैठे हुए हैं कि बिल्ली यहाँ पर आ रही है, मैंने अभी बिल्ली को भगाया है भैया बेचारे। यहाँ पर जहाँ पर ये दाने रखे हुए हैं ना, यहाँ पर अगर आते हैं ना तो ये दोनों कबूतर ऊपर नीचे बैठे हुए हैं और जैसे भी यहाँ पर आते हैं ना फटाफट देख के ना भाग जाते हैं। ये देखो भाग गया। अब बिल्ली बिल्कुल सामने वाली छत के पास आती है, यहाँ पर सामने बिल्ली इस पॉइंट पर आती है भैया और यहाँ से सीधी छलांग मारती है यहाँ पर, जहाँ पर इनका दाना पड़ा हुआ है। पहले तो ये मकान नहीं बना हुआ था ना, बिल्ली को डर था कि मैं कहीं पीछे ना गिर जाऊं, मगर अब बिल्ली सयानी हो गई, उसको पता लगेगा गिरेंगी तो इधर ही गिरूंगी। और ये सुंदर सुंदर से रेड कलर के फूल भी आने स्टार्ट हो गए। ये लास्ट ईयर वाला गणपति बप्पा जी का पौधा है और इसी गमले में गणपति जी विराजमान है। गुलाब के पौधे भी उगने स्टार्ट हो गए, ये देखो क्या हरे भरे हो गए हैं पौधे सारे। और ये उससे पहले का है, ये उससे पहले का कड़ी पत्ते वाला, ये दोनों पौधे हैं। 3 साल हो गए गणपति जी घर में विसर्जन कर रहे हैं हम 3 साल से। और बस अब देखो इस बारी कौन सा गमले में विसर्जन होता है या बाहर होता है कुछ पता नहीं। ये आवाज़ आ रही है नीचे, भाभी से बातें कर रही है भैया, पता नहीं कौन सी। और गाइज, मैं हमेशा ना जो ये गणपति जी आते हैं हमारे घर के अंदर, वो मैं कोशिश करता हूँ इको फ्रेंडली ही लाने की। इको फ्रेंडली गणपति जी होता है कि बिल्कुल जो उनकी मिट्टी वगैरह है आराम से पानी में बैठ जाती है और नीचे बैठ जाती है, उसको निकाला जाता है। उनके जो वस्त्र होते हैं, वस्त्र हम वो कर देते हैं, प्रवाहित कर देते हैं और जो मिट्टी होती है वो गमले में डाल के इसके अंदर और मिट्टी डाल के पौधा उगा देते हैं, ताकि मतलब हमें पता लगे भैया गणपति जी हमारे साथ साथ ही हमारे घर में विराजमान है। तो गाइस बस अब नीचे चलते हैं, निकलने की शॉप पे तैयारी करते हैं। नाश्ता? हाँ दे रही हूँ। बाहर का मौसम बारिश वाला हो गया बड़ा बड़ा, तो मिलते हैं। हाँ। उस पे मत हाथ रखो, बंद हो जाता है गलती से, मशीन बंद हो जाती है। हाँ, हाँ, ये मशीन तो ऑटोमेटिक है भाई, वो सीट डाउन हो जाता है। 100 kg वेट है भाई इसका। हाँ। सोने भाभी काम कर रही है ना, तो भाभी कहती भाभी जी अब हम दोनों घर में रहते हैं, निक्की जॉब करती है, भाभी भी काम करती है दूसरी, मैं कहा हम दोनों भी कोई काम शुरू कर देते हैं, हम भी कंपटीशन नहीं, मतलब हमारा भी मन लग जाएगा, थोड़ा सा आमदनी का जरिया बन जाएगा ना। अच्छा, आमदनी का जरिया बना गया। हम भी दोनों सोच रहे कुछ नया काम करने का। क्या क्या काम आता है? कुछ सोने भाभी कहती पेट में थोड़ा सा मेरी नाश्ता चले जाए, उसके बाद बात करते हैं। अच्छा अच्छा, मतलब पेट में पहले नाश्ता जाएगा फिर दिमाग में आइडिया आएगा। दिमाग चले, खाली पर दिमाग नहीं चलता ना। अच्छा। सुबह जल्दी उठ जाते, मैं तो थोड़ी लेट उठती हूँ ना, भाई 5 बजे करीब उठता है, मैं उठती हूँ 6:30 बजे। अच्छा, काकू के चक्कर में मेरे को 1.5 घंटा और आराम मिल जाता है। तो भाई साहब, आप जॉब में क्या क्या करोगे? जॉब नहीं करे, बिजनेस कर लेंगे घर में बैठ के, बहुत बिजनेस होती है करने की। आप मुझे, हम दोनों को कोई बिजनेस खुलवा दो। क्या बिजनेस खोलोगे? कुछ भी आपका दिमाग चलता है, ऑनलाइन बिजनेस करवा दो, कोई सामान सामान की, कपड़ों की,
कितनी चीजें, इधर चद्दर चुदर बहुत चीजें होती है। अच्छा थोड़ा दिमाग दो। मैंने कहा खा पहले नाश्ता कर लो, मैं भी इनको नाश्ता देके जरा हम बैठते हैं, बातें करते हैं, हम बिजनेस खोलने के चक्कर में हो। हाँ मेरा दिल तो है, मैंने तो आपको शुरू से कहा था मुझे सिलाई का काम करवा दो करवा दो। तेरे को सब कुछ, तेरे को सब कुछ बैठे, लोग कहते सब कुछ, हमारे गाइस कहते सब कुछ बैठे बिठाए डॉली को मिल जाता है। हाँ नजर लगा रहे हैं हमारे गाइस भी, बैठे बिठाए मिल जाता है, क्यों मेहनत करती हूँ मैं भी, मेहनत करती है। हाँ मैंने आपको बोला था कि भाई मेरे को बाहर निकलना था, आप कहते नहीं, मैं जब आस पास घूमता हूँ तुझे जाने की क्या जरूरत है, पेट्रोल क्यों बर्बाद करना है तुम्हें, और जबकि मुझे आती भी नहीं स्कूटी चलानी। स्कूटी तो दो दिन में सीख जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, मगर ये होता है की आराम से बैठो घर में, काहे टेंशन लेते हो बिजनेस की। थोड़ा बाहर निकलना चाहिए, सारा दिन घर में ही बंदा पक जाता है बैठे बैठे, बिजनेस की ना टेंशन बहुत होती है, पता मुझे ऐसे पैसे ऐसे नहीं कमाते, चढ़ाओ नीचे घूमना फिरना टेंशन है, बहुत टेंशन है। पहले मैं अपने घर में बैठती गांधी सिलाई का काम करती हूँ, तो काम कर चलता रहता ना। तो गाइस पहले डॉली सिलाई का बुटीक था, मतलब यहाँ में भी तो दो साल किया था शादी के बाद। हाँ सिलाई का काम इसने किया, दो साल मैंने की थी, उसके बाद छोड़ दी। साथ बाहर के जो आसपास की जो लेडीज वगैरह आती थी सब सूट सिलने देती थी, आते थे जहाँ उधर गली में बहुत बंदा बना रहता था, उसके काफी कस्टमर थे बहुत। तभी तो मैंने कहा था आप भाभी मम्मी भी कहते थे बुटीक खोल ले, बुटीक खोल दे इसको, नहीं जी मैं नहीं संभाल सकता। अरे बच्चों को संभालेगा बुटीक, बच्चे अभी तक हुई कहा थे, मम्मी बैठी थी, मम्मी संभाल लेती, कह रही थी मम्मी मैं संभाल लूंगी, ठीक है ना, सब मत बोलो, जितना ईश्वर ने जितना दिया उसमें संतुष्टि रखो, वो संतुष्टि है। वैसे गहरे बिजनेस करने ज्यादा टेंशन मत पालो, नाश्ता दे दो फटाफट मेरे को। वो धीरू माइनिंग का भाई को देखो ना, उन्होंने 33% रेट बढ़ाकर भाई साहब क्या मस्त वाली शादी कर दी, कितना पैसा लगा दिया। कर सकते ना ऐसे, हमारा जियो का जो ₹3,000 वाला रिचार्ज था एक साल का, सीधा 4,000 कर दिया भैया, जो दुनिया ने ले रखा है कितनी, ओ लत लगाने वाली बात है। हाँ। एक बंदा ले, एक बंदे में कितने जने होते हैं घर में, सबके पास हो तो कितने कितने। सोने भाई बिजनेस करना है इसके साथ, बिल्कुल भाभी करेगी बोल रही है, कोई नया बिजनेस खुलवाओ हम दोनों का। गाइस काकू आ चुका है स्कूल से, अंजी क्या करके आया भाई साहब, काकू देखो पीच खाइए, पीच हो जाइए आप बिल्कुल, आप खाओगे तो गाइस यहाँ सीजन के फ्रूट तो खाने चाहिए ऐसे यार, मतलब इस सीजन यहाँ पे वो सीजन नहीं, वो चीज नहीं है यार, वो नहीं मिलते भैया, जो मनाली है वो मनाली है। सही में क्या फ्रूट थे, ताजे ताजे खाने का मन अलग ही मजा, पेड़ पौधे देखे फ्रूट से भरे हुए। इसने कह रहा पापा मैंने पासपोर्ट का फॉर्म भी भर दिया है, हो गया चल ठीक है, कोई नहीं अच्छी है, एक चीज सही है, अब इसको बस वो लाइसेंस वगैरह का थोड़ा सा करवाना है, कह रहा है कह रहे यार पापा एक बार दिखाना अपना कार्ड दिखाना, मैंने कहा क्या करना, कहता है दिखाओ तो सही, मैंने कहा क्या करना है, बैंक का कार्ड फटाफट फीस सबमिट हो गई है बस, अब हो जाएगा थोड़े टाइम तक बन जाएगा, तेरा भी पासपोर्ट बना दो, बनाना ही पड़ेगा कभी ना कभी, तो अभी तक नहीं बनाया ना, बनाना ही पड़ेगा हमें भी, अगर इनकेस भगवान अगर सार्थक जाता है कहीं पे तो हम भी तो चले जाएंगे इसके बाद। मेरे को बड़े मौके मिले, मेरे को तो एक अंकल थे, मैं रोहिणी में शॉप थी मेरी, वो जो क्या कहते हैं उनमें उनका लंदन में काम था, कह रहे थे तू वहीं पर ही आ जा हमारे साथ वहीं पर, मैं कहा भाई मैं किसी पे इतना भरोसा नहीं करता, मैं कहा अंकल जी नहीं कोई बात नहीं, आप कहता है वो तू अच्छा काम करता है, ये करता है तो वहाँ पे शॉप खुलवा दूंगा मैं अपना काम, दिल कर लगने की बात है ना, आपका दिल लगेगा ही नहीं, आपका पूरा उम्र यहीं तो निकल गया। और वो एक एक मिनट रुको, जो बच्चे छोटे होते ना जाते स्टडी बेस में, फिर वहीं रह के वहीं वही बच्चे यार दोस्त अपनी फैमिली होते है वहाँ फिर भी लग जाता है, ऐसे ही होता है। एक न्यूजीलैंड वाले अंकल भी तो आते हैं जिनकी वाइन शॉप है वहाँ पर, वो भी तो आते हैं, जो उस दिन मिली हुई है ना तो उनसे वो भी कहते कहते गोल्ड आम लेके आया था, जब भी गर्मियों में आते हैं। हाँ तो जब भी गर्मी, गाइस एक अंकल है न्यूजीलैंड से आते हैं, जब भी गर्मियों में आते हैं मुझे पहले कॉल कर देते हैं, गोल्डी यार ऐसे करियो 1 किलो 1.5 किलो अब आने वाले होंगे, दशहरी आम ला के रखियो, कह रहे दशहरी आम लेके रखियो बाल्टी में ठंडे करके रखियो, मैं आऊँगा तेरी शॉप में खाऊंगा, वहाँ पे ये चीज़ें फ्रेश फ्रेश नहीं मिलती ना फिर सारी चीज़ें, ये इसमें मिठास नहीं है इतनी डॉली, ये है इतना बड़ा देखने में बिल्कुल मीठा नहीं है बिल्कुल भी, मगर वो जो मनाली वाले फूड है वो मनाली वाले नन्हे नन्हे ऐसे ही होते हैं, कितना शक्कर पारा सबसे मीठा अच्छा लगता है मुझे, शक्कर पारा दिल्ली फिर से आपने घूमे जाओ ना, जब वहाँ से फ्रूट लेके चलो लंबा टूर घूमने, लंबी टूर में चलो फ्रूट लेके आ, वो नीटू जाएगा उसको बोल दे डब्बा ले आएगा, हाँ 4-5 डब्बे फ्रूट वाले मंगा लेना, 4 पानी 2 ही 3 मंगा ले, अरे मतलब हर तरीके की नाशपाती इतने छोटे छोटे, वो तो चाइनीज, हाँ और ये इस टाइप का क्या था कुमानी, वो सारी चीजें मंगवा लो। टाइम हो चुका है ब्लॉग के एंड करने का, और मैं आपको बता दूं मेरे को ना एक बात काफ़ी टाइम से करनी थी, डॉली लाइट जलाना जरा थोड़ा सा, एक
पायल की सबसे बड़ी फैन है भाई। तकरीबन आप ये मान के चलो 8-9 महीने हो गया। अनन्या कपूर नाम की आईडी है, 1854 शायद आईडी है उसकी, अनन्या कपूर। मैं आपको मैसेज भी दिखाता हूँ रोज डेली, जब भी मैं ब्लॉग डालता हूँ विद इन ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे के अंदर अंदर ही उन्हीं का मैसेज आ जाता है कि अंकल पायल आंटी कैसी हैं, और किसी का भी नहीं पूछती भाई, किसी का भी। और जिस दिन उनका ब्लॉग नहीं आता मलिक ब्लॉग्स में या उनका फैमिली फिटनेस में, मलिक किड्स में या फैमिली जो उनके जितने भी चैनल हैं, कहीं किसी का ब्लॉग नहीं आता तो वो मुझे करके पूछते हैं कि अंकल आज उनका ब्लॉग ये वाला क्यों नहीं आया, उनका ब्लॉग ये वाला क्यों नहीं आया। उनके सारे ब्लॉग देखती है भैया। मैं अभी बहुत ज़्यादा मतलब लड़की पायल से बहुत अच्छी फ़ैन है उसकी, और बहुत ज़्यादा प्यार करती है वो, मतलब बच्ची है क्या है मुझे नहीं पता। काफ़ी कमेंट्स आते हैं उसके, डेली कमेंट्स आते हैं। मैं आपको कमेंट्स दिखाऊंगा, भैया मेरे को तो लग रहा है पायल की सबसे बड़ी फ़ैन वही है। देखो हर किसी की अपनी अपनी पसंद होती है, किसी को कृतिका पसंद है, किसी को पायल पसंद है, किसी को अरमान पसंद है। हर किसी की फ़ैन फॉलोइंग अपनी होती है जी, ठीक है। हर किसी ने अपना प्यार कमाया हुआ है, वैसे तो तीनों बच्चों ने अपना अपना प्यार कमाया हुआ है। देखो किसी की तरफ रुझान ज़्यादा होता है, किसी तरफ कम होता है। यह कि मतलब रेगुलर पायल के लिए मैसेज करके पूछती है और मैं रेगुलर रिप्लाई करता हूँ, ठीक है कोई बात नहीं, बढ़िया है, मतलब रेगुलर मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस इसी के साथ हम कर रहे हैं पायल मतलब ब्लॉग का एंड, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय कर दो जी, आ जाओ फटाफट, डॉली भी आ गई है। देखा ना मैं डॉली को भी पढ़वा रहा था मैसेज, और 8-9 महीने हो गए, कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन उसका मैसेज ना आया हो। कोई भी बहुत ज़्यादा पसंद करती है। बाय बाय गाइज़।